हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, नाउ वी डिस्कस द एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 अभी मैं डिस्कस करनी है, तो चलिए फटाफट करते हैं उसको। एक्सरसाइज 2.2 एंड पेज नंबर 27। पेज नंबर 27। इन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट देखिए आप ध्यान से। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव 3 to the power -7 डिवाइड बाय 3 to the power -4। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसको हम, जरा सुनिए आप सभी ध्यान से। सबसे पहले तो आप ये जो डिवाइड है, आप जानते हैं कि a डिवाइड b को हम लिख सकते हैं a अपॉन b। क्लियर? तो उसी तरह जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लेके चलते हैं। 3 to the power -7 डिवाइड बाई 3 to the power -4, और इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि 3 to the power -7 अपॉन 3 to the power -4। क्लियर? अब उसके बाद में एक रूल पढ़ा था हमने कि a to the power m अपॉन a to the power n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। मैं इधर लिख देता हूं a to the power m अपॉन a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। ये हमारे पास में रूल था, ठीक है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर कि 3 to the power -7 -4, क्योंकि रूल हमने फॉलो किया है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। m मींस -7, n मींस -4, सो -7 में से हमने माइनस कर दिया है -4 को, सो वी हैव 3 टू द पावर -7 -4 3 to the power -3। ठीक है, आप अपने आंसर को यहां छोड़ भी सकते हैं और आगे लेके भी चल सकते हैं। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon 3 to the power 3, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा था, और रूल क्या था? रूल था कि a टू द पावर -m को आप लिख सकते हैं 1 upon a टू द पावर m। ठीक है, सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया और इसका आंसर आ गया हमारे पास में लास्ट में 1 upon 3 to the power 3 or 3 to the power -3। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखिए आप इसमें सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट दिया है 5 to the power 4 into 5 to the power 10 into 5 to the power -2। तो चलिए, हमने रूल पढ़ा था, और रूल क्या था कि जब हम सेम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं बार बार, देन पावर्स विल बी एडेड टू ईच अदर। यदि a टू द पावर m में मल्टीप्लाई कर रहे हैं a टू द पावर n की, तो रिजल्ट आएगा a टू द पावर m प्लस n। 2 the power 7 into 2 the power 4, तो रिजल्ट बनेगा 2 the power 7 प्लस 4 मींस 11। तो जब सेम बेस होते हैं पावर एड होती है। यहां पे देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल है इन तीनों टर्म के बीच में, और सबका बेस अपने आप में इक्वल है 5। तो जब सबका बेस इक्वल है अपने आप में 5, तो जो इनकी पावर है 4 10
और माइनस टू ये आपस में ऐड हो जाएंगे। रूल क्या बनेगा यहां पे? रूल बनेगा कि ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, वेन एवर बेस आर इक्वल देन पावर विल बी एडेड टू ईच अदर, मींस वी कैन राइट ए टू दी पावर एन प्लस एन। चलिए तो यहां पे फिर मैं लिख सकता हूं इसको कुछ इस तरह से कि 5 टू द पावर 4 प्लस 10 प्लस माइनस 2, सो वी कैन राइट 5 टू द पावर 14 माइनस 2 रिजल्ट विल बी 12। सो 5 टू द पावर 12 दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा ये, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट देखिए। इन थर्ड पार्ट वी हैव 2 पावर 5 इनटू 2 पावर -13 अपॉन 2 पावर -7। अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सब जगह बेस इक्वल है 2, ठीक है। आप जानते हैं कि जब सेम बेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर ऐड होती है, जैसे 2 पावर सपोज कहीं पे 7 है, 2 पावर कहीं पे 4 है, तो 7 और 4 आपस में ऐड हो जाएंगी, पावर बनेगी रिजल्टेंट पावर 11। तो ऐसे यहां पे होगा, यहां पे 2 पावर 5 और 2 पावर -13। इस बात की आप टेंशन न लें कि ये माइनस में है, आप सिर्फ देखें कि यदि मल्टीप्लाई करते वक्त बेस सेम है तो पावर को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 पावर 5 प्लस -13 अपॉन 2 पावर -7। चलिए आगे ऊपर आएगा मेरे पास में 2 पावर -8 और 2 पावर -7, ठीक है। यहां पे जो रूल अप्लाई हुआ है वो ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन का हुआ है, और जो अब रूल अप्लाई होगा वो ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन का अप्लाई होगा। यहां पे भी सेम बेस है, तो जब सेम बेस है डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर मींस डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल। तो इस बात को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पावर -8 -7। यदि कुछ कंफ्यूजन है दिमाग में तो जो रूल है वो लिख रहा हूं, मैंने ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन को अप्लाई किया था पहले, और उसके बाद में अब अप्लाई कर रहा हूं कि ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन इक्वल्स टू ए टू दी पावर एम माइनस एन। ये दो रूल अप्लाई हुए हैं इस क्वेश्चन में अभी तक। ये पहले वाला रूल अप्लाई हुआ था यहां पे और दूसरे वाला रूल अप्लाई हुआ है फिर यहां पे ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन। हियर एम इज -8 एंड एन इज -7, सो -8 -7 एंड आंसर इज 2 पावर -8 प्लस 7, सो रिजल्ट इज 2 पावर -1।
अब इसके बाद में आप जानते हैं कि a टू दी पावर माइनस m को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू दी पावर m। मैं लिख रहा हूं इधर रूल, a टू दी पावर माइनस m को लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू दी पावर m। सो टू दी पावर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद देखिए आप फोर्थ पार्ट। इन फोर्थ पार्ट a टू द पावर 3 टू द होल पावर माइनस 4 अपॉन a टू द पावर माइनस 5 इंटू a टू द पावर माइनस 3। और ये क्वेश्चन हमें करना है, चलिए करते हैं फटाफट इसको। सबसे पहले आपने एक रूल पढ़ा था, वो रूल क्या था ध्यान देना। रूल था कि a टू द पावर m टू द होल पावर n, यदि पावर की भी पावर कहीं तो आती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, जैसे टू दी पावर 2 और उसकी होल पावर 3 तो बनेगा टू दी पावर 6। ठीक है, तो यदि कहीं पे पावर की पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, रिजल्ट आएगा ए टू दी पावर एम एन। ठीक है, तो अब इधर आइए, ए टू दी पावर 3 और उसकी होल पावर है माइनस 4, तो जब पावर की भी पावर आ गई तो उसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं कि a टू द पावर 3 इंटू माइनस 4, रिजल्ट बनेगा माइनस 9। डिनोमिनेटर में आई ध्यान से, डिनोमिनेटर में सेम बेस है और जब सेम बेस होते हैं पावर ऐड होती है। रूल क्या फॉलो होगा कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। तो डिनोमिनेटर में फॉलो होगा a टू द पावर माइनस 5 प्लस माइनस 3। दो निगेटिव इंटीजर को हमें ऐड करना पड़ेगा, सो a टू द पावर माइनस 12 अपॉन a टू द पावर माइनस 8, बिकॉज माइनस 5 प्लस माइनस 3 रिजल्ट इज माइनस 8। अब इसके बाद में ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, बेस इक्वल है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर वाली। तो रूल अप्लाई होगा इधर, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n कहीं मिलता है तो उसको लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। तो फिर हम इसको लिखेंगे कि a टू द पावर माइनस 12 माइनस माइनस 8, तो आंसर आएगा a टू द पावर माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस 4। अब इसके बाद में अगेन जो रूल फॉलो होगा, a टू द पावर माइनस m को लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर m। सो a टू द पावर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन a टू द पावर 4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी कॉपी करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलना है मुझे। चलिए
देखिए फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर वन में फिफ्थ पार्ट देखिए 7 to the power 5 into 7 to the power -3 into 7 to the power -1 ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए आप, इसमें तीन टर्म मल्टीप्लाई हुई है और तीनों टर्म में जो बेस है वो इक्वल है 7 7 7। और आप जानते हैं व्हेनेवर वी हैव अ सेम बेस देन पावर विल बी एडेड टू ईच अदर, मींस रूल अप्लाई होगा इधर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। फिर चाहे m और n नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इट डजंट मैटर, जब सेम बेस है तो पावर एड हो जाएगी। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरह से कि 7 to the power 5 plus minus 3 plus minus 1, 7 की पावर में 5 minus 3 minus 1 तीनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये बनेगा 5 में जाएगा -4, क्योंकि -1 और -3 बनेगा -4, सो 5 में जाएगा 4 तो बचेगा 1। इट मीन्स 7 to the power 1, इट मीन्स 7। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे सिक्स्थ पार्ट पे आ जाए। सिक्स्थ पार्ट में कह रहे हैं कि to the power 4 to the whole power minus 3 into 6 to the power 3 to the whole power minus 4। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम इस सिक्स्थ पार्ट में जो पावर की भी पावर दी हुई है इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। आप जानते हैं कि जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है अपने आप में, जैसे 2 to the power 2 और उसकी होल पावर आ जाए 4, तो 2 to the power में 2 into 4 होकर के 8 बन जाता है। तो वैसे यहां पे होगा कि 2 to the power में जो 4 है और इसकी होल पावर -3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए 2 to the power 4 into -3 multiply 6 to the power 3 into -4, तो ये मेरे पास बनेगा 2 to the power -12 into 6 to the power -12। यहां तक कुछ प्रॉब्लम। अब इसके बाद में आपने एक रूल पढ़ा था, रूल क्या था, यहां फॉलो किया है हमने a to the power m to the whole power n, तो बन गया mn। अब हम क्या करेंगे, जो ये सिक्स आप देख रहे हैं इस सिक्स को मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 into 3 की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 to the power -12 into 2 into 3 to the whole power -12। ऐसा क्यों कर रहा हूं सुन लीजिए, ऐसे से लेकर रहा हूं कि यहां पे बेस 2 है, इस बेस 2 को मल्टीप्लाई में बेस 2 और मिल सकता है यदि मैं इस 6 को फैक्टराइज कर दूं 2 into 3 में, ठीक है। अब आपने एक रूल पढ़ रखा था, रूल क्या था कि यदि ए बी की होल पावर कहीं पे एन होती है
तो उसको आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन। इट मींस पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। सो टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय टू द पावर माइनस 12 इनटू 3 टू द पावर माइनस 12। ये जो पावर थी माइनस 12 ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी 2 और 3 इन दोनों के ऊपर सेपरेटली। और इसके बाद में टू दी पावर माइनस 12 और टू दी पावर माइनस 12 इन दोनों का सेम बेस है तो ये पावर ऐड कर लेंगी अपनी माइनस 12 प्लस माइनस 12 और 3 टू दी पावर माइनस 12 रहेगा ऐसे ही। सो ये बनेगा टू दी पावर माइनस 24 इंटू 3 टू दी पावर माइनस 12। इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 दी पावर 24 इंटू 3 टू दी पावर 12। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे आगे चलना है। चलिए सेवन पार्ट पे आइए। इन सेवन पार्ट में है ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर इंटू ए टू दी पावर माइनस 5। जब सेम बेस है तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं। इट मीन्स हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर 3 प्लस 2 प्लस माइनस 5। सो प्लस 5 प्लस माइनस 5 तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 मीन्स ए टू दी पावर 0। और ध्यान रखना आपको एक बात कि जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका टोटल आंसर 1 होता है। सपोज 2 दी पावर 0, 5 टू दी पावर 0, बी टू दी पावर 0, एन टू दी पावर 0, ए टू दी पावर 0। तो जब किसी की पावर 0 होती है उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। ठीक है, जैसे 99 टू दी होल पावर 0, 2 दी पावर 0, 5 टू दी पावर 0। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जब भी किसी की एक्सपोनेंट 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सेवंथ को, सॉरी एट्थ पार्ट जो कि इसका लास्ट पार्ट है और फिर आगे चलेंगे। एट पार्ट में कह रहे हूं कि 4 टू दी पावर माइनस 3 इंटू ए टू दी पावर माइनस 5 इंटू बी टू दी पावर माइनस 4 और फिर लिखा है 4 टू दी पावर माइनस 5 ए टू दी पावर माइनस 8 और बी टू दी पावर 3। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। चलिए तो जरा सोचिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सोचिए जरा। देखिए आपको एक रूल बताया गया था। रूल क्या था? रूल था कि
ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए टू दी पावर एम माइनस एन। यहां पर जो ए है वो फोर फोर ए ए बी बी, तो ध्यान से देखिए आप इन तीनों को अलग अलग। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 4 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन 4 टू दी पावर माइनस 5 को अलग लिखूंगा, ए टू दी पावर माइनस 5 अपॉन ए टू दी पावर माइनस 8 को अलग, और b टू दी पावर माइनस 4 अपॉन b टू दी पावर 3 को अलग। अब ये सेम बेस हो गए हैं, तो जब सेम बेस हो गए हैं इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4 टू दी पावर माइनस 3 में से माइनस कर देंगे माइनस 5 को इंटू ए टू दी पावर माइनस 5 में से माइनस कर देंगे माइनस 8 को, और बी टू दी पावर में से माइनस कर देंगे 3। तो ये बन जाएगा 4 टू दी पावर 2, फिर आगे बनेगा ए टू दी पावर 3 और b टू दी पावर माइनस 7। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में जो आगे दिए हैं ये आप खुद करेंगे। अगले पेज पे आइए, पेज नंबर 28 पेज नंबर पे 9th, 10th, 11th, 12th ये फर्स्ट क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं, इन्हें आप खुद करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप फटाफट फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, और फर्स्ट पार्ट में लिखा है 5 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 5 टू दी पावर 4 n इक्वल्स टू 5 टू दी पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सोल्व करके n की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू क्या होगी। चलिए तो यहां पे एक प्रोसीजर होगा कि लेफ्ट को आप लेफ्ट में सोल्व करेंगे, राइट को आप राइट में सोल्व करेंगे, फिर आप कंपेयर करके लेफ्ट और राइट कंपेयर करके वहां से एन निकालेंगे। अब लेफ्ट में देखिए आप 5 5 सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, इट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5 टू द पावर माइनस 3 प्लस एन, और इधर 5 टू दी पावर 4 रहेगी एज इट इज। ठीक है, अब इधर भी बेस 5 है उधर भी बेस 5 है लेफ्ट राइट में, तो पावर कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर ओनली बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करने पर माइनस 3 प्लस एन जो लेफ्ट हैंड साइड में पावर है उसको आप इक्वल रख देंगे राइट हैंड साइड की पावर से, सो एन इक्वल्स टू आ जाएगा 4 प्लस 3 मीन्स 7। इस तरह से क्वेश्चन होंगे हैं, तो दोबारा फिर समझ लिया आप इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में सोल्व करेंगे, राइट को राइट में सोल्व करेंगे, सोल्व करके जब बाद में बेस सेम बन जाएगा दोनों तरफ
तो उनकी जो पावर्स है वो कंपेयर करा देंगे और वहां से अननोन टर्म एन को निकाल लेंगे। ठीक है।